भाइयों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि खेती संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंच सके किसान भाइयों आपको वीडियो वीडियो पसंद आए तो को लाइक करके अन्य किसान भाइयों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा किसान भाइयों आज की वीडियो में हम आपके लिए दो ऐसी शानदार वेराइटी लेकर आए हैं जिनकी पैदावार क्षमता सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है किसान भाइयों पिछले कई वर्षों से ये दोनों ही वरायटियाँ किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी पैदावार देती भी आ रही है किसान भाइयों एक वैरायटी है श्री राम सुपर 303 और जो दूसरी वैरायटी है वह है डी 303 डब्ल्यू इन दोनों में क्या अंतर है कितनी इनकी पैदावार है बुआई का समय क्या है कटाई का समय क्या है सिंचाई कितनी करनी पड़ती है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में इन दोनों ही वेराइटियों के बारे में दी जाएगी आप वीडियो को पूरा देखिएगा किसान भाइयों पहले बात करते हैं श्रीराम सुपर 303 सौ की वैरायटी के बारे में किसान भाइयों यह श्रीराम कंपनी की सबसे उन्नत और सबसे अच्छी पैदावार देने वाली किस्म मानी जाती है आप इसकी बुआई अगेरी भी कर सकते हैं और पछेती भी कर सकते हैं दोनों ही अवस्था में यह आपको एक अच्छी पैदावार निकाल करके देती है आप इसकी बुआई पूरे नवंबर माह से लेकर पूरे दिसंबर माह तक कर सकते हैं आपको इस वैरायटी में तीन से लेकर पांच सिसाई करने की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों बिजाई करते समय आपको यदि आप आगेती बुआई करते हैं तो आपको चालीस किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी होगी यदि आप पछेती बुआई करते हैं तो आपको पचास किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी होगी किसान भाइयों इस वैरायटी के जो पकने की समय अवधि है वह मात्र एक 130 से लेकर एक दिन के मध्य में बहुत से किसान भाई गेहूँ की कटाई करने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए यह वेरायटी वरदान है क्योंकि किसान भाइयों

राम सुपर तीन तीन की वैरायटी में में हल्के फुल तो रोग देखने को मिल सकता है यदि आप स्टार्ट में ही फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो आपको अंत तक पूरी फसल में कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेगा यदि इसकी कुल पैदावार की बात की जाए तो किसान भाइयों आप इस वैरायटी से 28 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं अब बात करते हैं डीबीडब्ल्यू तीन सौ तीन गेहूं की वैरायटी के बारे किसान में किसान भाइयों की वैरायटी सबसे अधिक पैदावार देने वाली गेहूँ की वैरायटी मानी जाती है किसान भाइयों उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब दिल्ली मध्य प्रदेश और अन्य सभी किसान भाइयों की सबसे जो पहली पसंद है वह है डीवीडब्ल्यू तीन सौ तीन किसान भाइयों आप इसकी बुआई पच्चीस अक्टूबर के बाद पूरे नवंबर तक कर सकते हैं यानी कि यह एक फसल है किसान भाइयों आपको इसमें पैंतालीस किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी होगी यदि इसके पकने की समय अवधि की बात करें तो यह वैरायटी एक दिन में पक करके तैयार हो जाती है यदि इसकी कुछ खासियत की बात करें आपको इस वायटी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है जिस कारण से इसकी रोटी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है साथ ही किसान भाइयों इसके जो बालियाँ होती है वह लंबी बनती है दाना भराव अच्छा होता है जो दाने का साइज होता है वह भी मोटा होता है जिस कारण से उसमें ज्यादा वजन बनता है और वजन बनने के कारण ही किसान भाइयों को अच्छी पैदावार देने को मिलती है किसान भाइयों यदि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो आपको इस वैरायटी में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देने को नहीं मिलेगा इसके जो पौधे की हाइट होती है वह लगभग नब्बे से लेकर पचानवे सेंटीमीटर तक होती है यदि इसमें सिंचाई की बात करें तो यह वेरायटी तीन से लेकर चार सिंचाई में ही पक करके तैयार हो जाती है किसान भाइयों अब बात करते हैं इसके उत्पादन की यदि इसके उत्पादन की बात की जाए तो किसान भाइयों आप डीबीडब्ल्यू तीन सौ तीन गेहूं की वैरायटी से 30 से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं किसान भाइयों ये थी दो सबसे शानदार वैरायटी यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो प्रकृति आपका साथ देती है समय पर खाद डालते हो समय पर सिंचाई करते हो तो किसान भाइयों आप इन दोनों ही वेरायटियों से एक अच्छी पैदावार ले पाएंगे तो किसान भाइयों उम्मीद करता हो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं कि नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार